सरगोधा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मुजाहिद कलोनी में मुश्तिल हजूम के तशद्दुद से जख्मी होने वाले नज़ीर मसीह अल मरूफ लाजर जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़श्ता रोज खुदावंद में सो गए। उनकी नमाज जनाजा आज बरोज पीर 1 बजे उनकी रिहाइश गाह पर अदा की जाएगी। याद रहे कि 25 मई को सरगोधा में तोहीन कुरान का इल्ज़ाम आयद करके मुश्तिल हजूम ने उन्हें डंडों और ईंटों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके उन्हें पहले मकामी फिर CMH रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके दिमाग की 2 सर्जरियां की गई मगर वो जानबर ना हो सके और खाली के हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से नेशनल न्यूज नामा की टीम को फैमिली के साथ इजहार तजियत के लिए पैगाम वसूल हुए हैं, जिनमें CEO क्रिसन ट्रू स्पिरिट, आशिर सरफराज, शहजाद इमरान सोत्रा, सदर मसीही तहरीक बेदारी और बह चौधरी कैनेडा से नोएल एजाज शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि FIR में कत्ल की दफात शामिल करके मुलजमान को सजाएं दी जाए और उनकी फैमिली को तहफ्फुज़ फ्राहम किया जाए।